हेलो भाई, मैं वंकित। हीरो वाले क्या चाह रहे हैं भाई? मेरे समझ से तो बाहर है। इन्होंने हाल फिलहाल में एक गाड़ी को लॉन्च करा था, पैशन प्लस, जिसका नाम था भाई। वो भाई हमारे यहाँ तो 92-93 हज़ार तक मिल जा रही है, लेकिन किसी किसी सिटी में भाई वो 96 तक मिल रही है। 96 हज़ार रुपये ऑन रोड प्राइसिंग, वो भी 100 cc बाइक की। हालांकि देखो, वो गाड़ी 90 हज़ार तक वर्दी है, उसके ऊपर वर्दी नहीं है भाई खरीदना, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जा रहा है यार। 100 cc की बाइक है, लेकिन फिर भी हाँ, वो गाड़ी इंडियन मार्केट में सक्सेस कर चुकी है भाई, क्योंकि अच्छा खासा बिक रही है। मतलब 20-25 हज़ार यूनिट बिक जा रही है हर महीने। मेरे यहाँ तो रोड पे बहुत ही अच्छा खासा दिख रही है भाई, क्योंकि पहले से पैशन प्रो को लोग बहुत पसंद किए थे और अब लॉन्च हो गई भाई वही लुक के साथ है। भले ही पैशन प्लस नाम है, लेकिन लॉन्च हो गई ना भाई, तो लोग बहुत दबा के उसको खरीद रहे हैं। खैर, हीरो वाले भाई एक और 100 cc की बाइक लॉन्च करने पे तुले हुए हैं। टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया है, ये HF डाउन है भाई। पहले आया करती थी, लेकिन फिर से इसको टेस्ट किया जा रहा है, HF डाउन। अब ये इंडिया में लॉन्च होगी या फिर नेपाल में लॉन्च होगी, मतलब कहाँ लॉन्च होगा, बांग्लादेश में ये लोग ज़्यादा बेचते हैं तो कहाँ लॉन्च होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ टेस्टिंग किया जा रहा है इंडियन रोड पे भाई। हालांकि इस गाड़ी में नोटिस करने वाला बात है कि स्प्लेंडर वाला ही इंजन है, जो HF डिलक्स में आता है ना, वही वाला इंजन है, लेकिन इसमें कैटलेटिक कन्वर्टर वगैरह नहीं है भाई। अगर कैटलेटिक कन्वर्टर रहता तो हमारे इंडिया के लिए कैपेबल होती, लेकिन अभी कैटलेटिक कन्वर्टर वगैरह नहीं है तो ये कैपेबल नहीं है भाई, क्योंकि BS6 कंप्लाइंट आ चुका है ना हमारे यहाँ। तो ये BS4 वाला मॉडल शायद से स्पाई किया गया टेस्टिंग के दौरान, और इसमें राउंड शेप का अपने को हेडलाइट देखने को मिल रहा है। तो शायद हीरो मोटोकॉर्प भाई दिमाग लगा के 100 cc की एक सस्ती बाइक लॉन्च कर दे, क्योंकि इनके पास एक सस्ती ऑलरेडी HF 100 है, जो अपने को 70 हज़ार के लपेट में मिल जाती है ऑन रोड। शायद उससे भी सस्ते प्राइजिंग में इसको लॉन्च कर दे भाई। ये देखने में जो इतना प्रीमियम नहीं लग रही है भाई, बेसिक सी लग रही है। देखते हैं भाई क्या अब हीरो मोटोकॉर्प वाले चाह रहे हैं भाई, मेरे समझ से तो बाहर है। 100 cc में इनके पास अभी 3 प्रोडक्ट हो चुका है, स्प्लेंडर प्लस है, इवन इनकी वो है भाई, क्या बोलते हैं, पैशन प्लस है, HF डिलक्स है। 3 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है, अब चौथा प्रोडक्ट लाने का सोच रहे हैं भाई, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। हीरो वाले बहुत ही चालू है भाई, क्योंकि इनकी ज़्यादातर गाड़ी भाई स्प्लेंडर ही बिकती है, और HF डिलक्स बिकती है, और पैशन प्लस बिक रही है। ग्लैमर फ्लैमर और सुपर स्प्लेंडर में उतना जान नहीं है, और एक्सपल्स फेक्सपल्स एक्सट्रीम फिक्सट्रीम तो पूछो ही मत, वो सब उतना नहीं बिकती। एक्सट्रीम 125 आर की बात नहीं कर रहा, एक्सट्रीम 160 आर और एक्सट्रीम 200S की बात कर रहा हूँ, तो उन सब का तो उतना क्रेज नहीं है भाई। तो ये लोग ज़्यादातर 100 cc को ही टारगेट करते हैं भाई, एंट्री लेवल ये लोग बाइक बहुत ही ज़्यादा बेचते हैं। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है भाई कि इस गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं, शायद अदर कंट्री में लॉन्च करें या फिर इंडिया में भी लॉन्च कर सकते हैं सस्ते प्राइजिंग में। HF 100 से तो इसका सस्ता ही प्राइजिंग होगा भाई, अगर ये लोग लॉन्च करेंगे तो कह सकते हो हमारे लिए भाई बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आने वाला है, क्योंकि आज के रेट में किसी भी बंदे को एक बाइक खरीदना रहता है भाई 70-80 हज़ार रुपये तो पे करना ही पड़ता है। अगर ये सस्ते में लॉन्च हो जाए 50-60 हज़ार के ऑन रोड प्राइजिंग में, तो काफ़ी हमें मज़ा आ जाएगा भाई। लेकिन मेरे हिसाब से इतने प्राइजिंग में तो लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि हीरो वाले चूसने वाले हैं भाई, वो लोग पैसा दबा के लेते हैं। तो अगर 65 हज़ार तक भी लॉन्च कर देना भाई, तो ख़राब नहीं है गाड़ी। राउंड शेप का हेडलाइट वाला गाड़ी यार बहुत ही देखने में सही लगता है, रेट्रो वाला फील कराता है। बाकी हाँ, अगर इसको लॉन्च करते हैं बाय द वे तो क्या कैसे मिलेगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें आपको वही 97.2 cc वाला इंजन मिलने वाला है, जो आपको 791 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क निकालेगा। बाकी आपको 80/100 18 inch का टायर मिलेगा, वो भी ट्यूब मिलेगा भाई, ट्यूबलेस नहीं मिलेगा। और ब्रेकिंग आपको सही मिल जाता है, 130 mm का ड्रम फ्रंट में मिलेगा, 130 mm का ड्रम रियर में भी मिलेगा। इसमें रिम भी मिल सकता है भाई, अब एलोय में टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिम भी मिल सकता है। बाकी रहा बात डायमेंशन का, तो इसका कर्वेट भाई 115 किलो के लपेट में होने वाला है। ग्राउंड गेंस 180 mm का मिल जाएगा, 780 mm के लपेट में आपको सीट हाइट मिल जाएगा। फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर के लपेट में मिलेगा। बाकी डिजिटल तो मिलेगा नहीं, मीटर कंसोल भाई, क्योंकि इतनी सस्ती गाड़ी है तो एनालॉग मीटर कंसोल मिल सकता है। हेडलाइट आपको हलोजन मिलेगा राउंड शेप का, टेल लाइट आपको मिलेगा हलोजन ही, और इंडिकेटर भी आपको हलोजन ही मिलेगा फ्लेक्सिबल वाला। बाकी सीट काफ़ी शानदार मिलेगा, जिसपे आप सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हो। इसके अलावा माइलेज का रहा बात, तो जितना अपने को स्प्लेंडर माइलेज देती है उतना ही ये भी माइलेज देगी भाई। हालांकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ा के माइलेज ज़्यादा भी दिवा सकते हैं, लेकिन आप मान के चलो 60-65 का तो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर्स तो सब मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो यही
कहानी है भाई हीरो मोटोकॉर्प की अपकमिंग बाइक का। आई होप आप सभी को ये गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगा होगा भाई। अब देखते हैं कब तक इसको लॉन्च करते हैं भाई, कोई इन्होंने ऑफिशियल डेट तो नहीं बताया है या फिर ऑफिशियल कुछ बताया नहीं है। टेस्ट के दौरान स्पाई किया गया हाल फिलहाल में, तो इसीलिए मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ ये चीज़ शेयर कर देते हैं। आपको क्या लगता है ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है, कहाँ लॉन्च होगा, कितने प्राइजिंग में लॉन्च होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद सभी को।